आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टोटके और उपाय बताऊंगा जिनको करने से आपका शत्रु का विनाश होगा। आपका शत्रु अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का प्रयोग सुबह सूरज निकलने से पहले करना चाहिए है। अगर ये मंत्र शांत स्थान पर करें तो असर जल्दी होता है। अगर इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते हैं तो शत्रुओं के द्वारा किया गया कोई भी अहित कार्य विफल हो जाएगा। अमावस्या या रविवार की रात को दुश्मन को तबाह करने के लिए यह टोटका करें। इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए। अब एक काले वस्त्र पर माँ काली के चित्र को स्थापित करके पूजा करें। पूजा करने के बाद एक नींबू पर सिंदूर से अपने शत्रु का नाम लिख दें। बाकी बचे सिंदूर को सरसों के तेल में डालकर संकल्प ले। ऐसा करने के बाद एक रुद्राक्ष की माला ले लें और नीचे दिए गए मंत्र का 11 बार जप करें। ऐसा जो मंत्र आपको बताया गया है हम लोगों ने, जो स्क्रीन पे आपके मंत्र आ रहा है, इस मंत्र का उच्चारण एकदम ठीक होना चाहिए है। हर बार माला के पूरे होने के बाद नींबू पर उड़द की दाल चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें कि वे आपके शत्रुओं का विनाश करें और उनके जितने भी प्रयास आपको बर्बाद करने के हैं उनको विफल करें। इस मंत्र का जाप समाप्त होने के बाद एक तांबे के लोटे या मटकी में उस नींबू को डाल दें और मटकी या लोटे को गड्ढे में गाड़ दें। ऐसा करते हुए माँ काली से प्रार्थना करें कि वे शत्रुओं से नकारात्मक असर से आपकी रक्षा करें और आपका अहित होने वाले प्रयासों को असफल करें। ऐसा करने के बाद घर आ जाएं। ध्यान रहे कि जब आप वापस घर आ रहे हो तो पीछे मुड़कर ना देखें। इसके बाद आप स्नान कर लें और आपके शत्रुओं का विनाश अवश्य ही होगा। धन्यवाद।